हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगिड़ आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 का हिंदी का पाठ 7। सबके स्वामी तुझे प्रणाम। यहाँ स्वामी से मतलब है भगवान और प्रणाम मतलब नमस्कार, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। तू है एक किंतु है तेरे, तू ही जाने कितने नाम। इसमें कवि कहता है कि हे प्रभु, तू तो एक ही है लेकिन तेरे नाम कितने हैं। हम तो नहीं जानते आपके कितने नाम हैं, लेकिन आपके कितने नाम हैं ये बताइए। पर है तो एक ही, तू ही ईश्वर, तू ही अल्लाह, तू ही ईसा, तू ही राम। इसमें कवि कहता है कि तू ही ईश्वर है, तू ही अल्लाह है, तू ही ईसा मसीह है और तू ही राम है। इसमें कवि कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि कितने नाम हैं आपके, लेकिन तू ही बता। तो वो अपने नाम बताते हैं कि तू ही ईश्वर, तू ही अल्लाह, तू ही ईसा मसीह, तू ही राम है। जैसे कि सभी धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार ईश्वर को मानते हैं। जैसे मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ईसा मसीह है जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं। तू ही राम, ये हिंदू लोग उनकी पूजा करते हैं। तू ही धरती पर, तू ही अंबर में, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में। कवि कहता है कि हे ईश्वर, तू तो धरती पर है, तू ही अंबर में है यानी आसमान में है, तू ही मंदिर में है, मस्जिद में है और गिरजाघर में है। मतलब कवि कहता है कि तू सभी जगह है, कण कण में है तू, इधर भी है, ऊपर भी है, आसमान में, नीचे धरती पर, मतलब तू सभी जगह है, सारे कण कण में भगवान है। तू ही रहता सबके अंतर में, कहाँ नहीं है तेरा धाम। तू ही सबके अंतर मन में यानी सबके हृदय में निवास करता है। तेरा धाम कहाँ नहीं है, तेरा घर कहाँ नहीं है, तू तो सबके मन में निवास करता है। सबके स्वामी सबके पालक, हम हैं छोटे छोटे बालक। आप कभी कहते हैं आप तो सबके स्वामी हो, सबके पालन करता हो और हम तो छोटे छोटे बालक हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं। हाथ जोड़कर शीश नवाकर करते हैं हम तुझे प्रणाम। हम जो छोटे छोटे बालक हैं, हम हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं इस फोटो में, इस तस्वीर में देखिए, यहाँ मंदिर दे रखा है, यहाँ मस्जिद दे रखा है, यहाँ गुरुद्वारा है और यहाँ पे चर्च दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने बालक हैं जो कि हाथ जोड़ के अपने ईश्वर से पूजा कर रहे हैं। मतलब कि जो बच्चे, जैसे कि ये है हिंदू, तो ये भगवान ईश्वर, कोई हिंदू होते हैं जो कि कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हिंदू धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को मानते हैं। और जैसे कि ये बच्चा है, ये मुस्लिम है, तो ये अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह से ये सिख है, ये गुरुद्वारे में गुरुदेव की आदि की पूजा करते हैं। ये है क्रिश्चियन जो कि चर्च में पूजा करते हैं। इस तरह से सभी धर्मों के लोग सभी अपने अपने ईश्वर को अपने अपने तरीके से, अपने अपने समाज के अनुसार उनकी पूजा करते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। अर्थात ईश्वर है तो एक ही, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग धर्मों के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। तो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग भगवान को अपने तो अलग अलग धर्मों के लोग अपने ईश्वर को अलग अलग धर्मों से पुकारते हैं, जैसा कि पाठ में और इस कविता में बताया गया। तो बच्चों आपने क्या देखा कि अलग अलग धर्मों के लोग अपने ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं।
इस कविता में ये बताया गया है और भगवान सभी जगह है, कण कण में भगवान मौजूद है। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं शब्द बोध। ईसा ईसा मसीह, अंबर यानी आकाश आसमान, अंतर हृदय, धाम यानी निवास, पालक यानी पालने वाला, नवाकर यानी झुकाकर। तो देखिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी कि ये शब्द दे रखे हैं, इनको हमें खाली स्थान में भरने हैं। जैसे कि प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से बना होता है, सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में स्वर अ की ध्वनि होती है। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो बच्चों बच्चों आगे देखते हैं। लिंग, लिंग किसे कहते हैं? लिंग का अर्थात होता है लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या लक्षण। चिन्ह का अभिप्राय पहचान से है। यदि अगर शब्द के जिस रूप से यह पहचान हो कि यह स्त्री जाति या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी जाति का यानी कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे माता पिता, तो इसमें माता पिता लिंग है, लेकिन कौन कौन से? माता है वो स्त्रीलिंग है और पिता है वो पुल्लिंग है। ऐसे ही राजा रानी, तो राजा हुआ पुल्लिंग और रानी हुई स्त्रीलिंग। तो नीचे लिखे शब्दों के इसी तरह से लिंग बदलने हैं। जैसे बालक यानी कि पुल्लिंग है, तो यहाँ लिखेंगे बालिका। लेख लेखिका ये स्त्रीलिंग है, यहाँ लिखेंगे लेखक पुल्लिंग। गायक यहाँ पे लिखेंगे गायिका। अध्यापक यहाँ लिखेंगे अध्यापिका। नायक नायिका। शिक्षिका ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखेंगे शिक्षक। तो बच्चों हमने ये शब्दों को लिंग में बदल दिए। तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। जब बहुत से शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, तो ऐसे सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थक अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूरज सूर्य, दिवाकर दिनकर, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः ये सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थक अथवा पर्यायवाची है। तो इसी तरीके से हम आगे ये शब्द किसके समानार्थक है कविता से चुनकर लिखिए, अर्थात इनके ये पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। दो दो पर्यायवाची दे रखे हैं और हमें एक एक यहाँ पे लिखना है। तो भगवान और परमात्मा, तो यहाँ पे आ जाएगा ईश्वर। तो ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हुए। पृथ्वी धरा ये यहाँ पर हुआ धरती, ये धरती के पर्यायवाची शब्द है। गगन आकाश यहाँ पे होगा अंबर। नीचे है निवास घर, यहाँ पे होगा धरा। धाम हृदय दिल, यहाँ पे होगा अंतर। तो बच्चों इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको लिखिए और इनको याद कीजिए। आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।